नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, जालौन चोरी की 8 मोटरसाइकिल सहित 5 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। जालौन कोंच काफी समय से नगर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं तथा बाइकें चोरी की घटनाओं से पुलिस पर तरह तरह के सवालिया निशान लगने शुरू हो गए थे। चोरों ने भी एक के बाद एक बाइकें चोरी करके पुलिस को चुनौती दी। पुलिस अधीक्षक को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में अभी तक हुई चोरियों में एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। आखिर रात भर पुलिस गश्त करती है, सायरन बजाकर घूमती है। जिले के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी शैलेश बाजपाई के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही, उप निरीक्षक संत राम कुशवाहा, बारेलाल आजाद, नरेंद्र कुमार सिंह, सर्वेश कुमार, पुलिस आरक्षी राजेश वर्मा, विकास पटेल, विकास यादव, आशीष तिवारी गश्त पर थे। तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि पंचानन चौराहे से महेशपुरा बाईपास पर सुरजन शर्राफ के फार्म हाउस में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करके 5 लोगों को पकड़कर थाने ले आई तथा उनसे पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि कोंच क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से बाइकें चोरी की गई थी, जिसमें पुलिस ने 5 अभियुक्तों, 1 रामजी सोनी, 2 ताजुद्दीन उर्फ ताज, 3 आमिर खान, 4 संजीव यादव, 5 राघवेंद्र की निशानदेही पर 8 विभिन्न कंपनी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। यह लोग एक जिले से मोटरसाइकिल चोरी करके दूसरे जिले में बेचते थे। इनकी 2 साथी मध्य प्रदेश के हैं। अभी इनके गिरोह में और कौन कौन सी लोग हैं उनका पता लगाया जा रहा है। उक्त अभियुक्त गणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाएगी। उक्त लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें एक राघवेंद्र पुत्र वृंदावन निवासी राठौर रनपुरा थाना रामपुरा का व्यक्ति है। इसको जो है कल 9 जुलाई को मोटरसाइकिल चुरा कर भागते समय गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसकी निशानदेही पे बाकी इसके 4 अन्य साथियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जिसका नाम रामजी सोनी पुत्र राजेंद्र सोनी है, ये शंकर झांसी का रहने वाला है। दूसरा आमिर खान पुत्र मुन्ना खान है, ये थाना दबोह जनपद भिंड का रहने वाला है। एक ताजुद्दीन और ताज है, ये भी जनपद भिंड का रहने वाला है। इनका एक अन्य साथी संजीव यादव, परशुराम यादव, निवासी कोंच क्षेत्र का है। तो इस तरह से कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से अलग अलग मॉडल के, मेक के 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हों को जेल भेजा जा रहा है। इनके अन्य भी मोटरसाइकिलें जो है अन्य मुकदमों से भी कनेक्ट हुई हैं जो इन्होंने चोरियाँ की हैं। साथ ही साथ और भी जानकारी की जा रही है, आगे का रिकॉर्ड की भी, ये बाइकें कहाँ बेचते थे, और साथ ही साथ इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, इनका गैंग भी पंजीकरण किया जाएगा। और इस तरह से सभी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ करते हुए इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई मजबूती से की जाएगी। अभियुक्तों में कोई आपराधिक रिकॉर्ड, इनका आपराधिक इतिहास भी है और इसीलिए इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, तो इनकी संपत्ति जब्ती करने की भी कार्रवाई की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई काफी तगड़े से हो, मजबूती से हो, ताकि तरह के रोकथाम में कोई शामिल। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।